अच्छा, कल ही सोचा था वीडियो बनाऊंगा, बहुत टाइम हो गया। इधर आ जाओ चेहरा। अच्छा, कल ही शीट मैंने अपडेट किया था, अगर जाओगे भाई की वेबसाइट पे NI6HA NTA.com, MTF पे क्लिक करोगे, ये PDF एक्सेल किस पे क्लिक करोगे ना, जैसे PDF पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। इसमें एक देख रहे हो यहाँ पे खाली सा डाल रखा है, ठीक है ना। नीचे मैंने 6600 और 6700M वाले दो लैपटॉप का नाम तो बोला ही था, MSI के दो, अल्फा और डेल्टा, है ना, उसको रखो साइड में। इसके बारे में बात करते हैं ज़रा। ये है आसूस का A15 6800H राइजन 7 6th जेन वाला। 5th जेन से कुछ 10% अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 12th जेन नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि 3060 फुल पावर का है। अमेजन पे 95,000 का पड़ रहा है, और इसमें मेन अच्छी बात यही है कि इसमें फुल पावर 3060, ठीक है ना। पोस्ट डाला था, पूछा था कि भाई क्या कहते हो, मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि 3060 और 6800H की वजह से अच्छी बात है। मैंने जैसा पोस्ट में कहा भी था कि देखो, इंटेल का 12th जेन प्रोसेसर, 12700H, 500H, वो सब पावरफुल, बहुत तगड़ा पावरफुल है ना, लेकिन वो पावर भी बहुत खाता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि लैपटॉप पे थोड़ा बैटरी लाइफ वगैरह चल जाए, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट, वो लोग ना AMD ही प्रेफर कर रहे हैं। इवन 5800H और 5600H तक वो लोग बस इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं कि पता है कि यार वो CPU है तो बैटरी कम खाएगा, है ना। तो ये भी समझ लो उसी कैटेगरी में आता है। इसमें 90 वाट आवर की बैटरी है, ऊपर से 6800H है, जहाँ बाकी लैपटॉप अगर तुमको मैक्सिमम 5 आवर देगा। वो पावर कंजर्वेशन वाला वीडियो देख लेना, बैटरी सेवर वाला वीडियो, कैसे कैसे किया था, जैसे उसमें 5 घंटे चल रहा था तो ये 10 घंटे चलेगा, तो एक ना टेंशन फ्री हो जाता है बंदा कि हाँ भाई ले लिया। तो इसका ना वहीं पे सीन है, चूंकि इसका भी रीज़न ये है क्योंकि आइडिया पैड गेमिंग नहीं आया है 6800H के साथ, लीजन गेमिंग नहीं आया है, जो आया है बहुत महंगा, 1.5 लाख 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर, देखा ही होगा तुमने, है ना, 1.30 तक चला गया जो अभी आया हुआ है। लीजन लीजन 6800H में आया ही नहीं है। आइडिया पैड आया है मेरे ख्याल से, कौन सा 6800H है, अच्छा लीजन 5 प्रो। देन को बात ये है कि बाकी में मॉडल नहीं है, और लेनोवो के अभी लास्ट में इतने प्राइसेस ऐसे बढ़ा के रख दिए ना, जो लैपटॉप 60 का रिकमेंड कर रहे थे वो 70 का जा रहा है, जो 70 का रिकमेंड कर रहे थे वो 80 का जा रहा है, जो 80 का मतलब 10,000 बेसिकली, पूरा यहाँ से वहाँ तक सब में 10,000 रुपये बढ़ा दिए। अब बढ़ा दिया है तो दूसरे लैपटॉप को देखना पड़ेगा। इसके और देखो मेन इसका कंपटीटर कौन सा है, जो अपना लैपटॉप है ये 95 1 लाख से कम वाला, इसका मेन कंपटीटर है एक ये वाला आइडिया पैड गेमिंग 12700H वाला। ये ना, अबे रुको 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 रुको, ये जो यूजुअली ना ये लैपटॉप आइडिया पैड वाला 1 लाख का ही पड़ता है, 5,000 का ही डिफरेंस है, लेकिन तुमको उसमें क्या मिल जाता है, अच्छा प्लस भी है माइनस भी है। प्लस है CPU अच्छा मिल गया, 12th जेन 12700, बहुत अच्छा CPU है। माइनस क्या हो गया, 3060 फुल पावर नहीं है, यानी गेमर्स के लिए प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि उसमें मक स्विच भी नहीं है। आसूस का पहले का जितना मॉडल था 2021 वाला टफ वगैरह मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया, अभी भी शीट में नीचे पड़ा होगा नॉट रिकमेंडेड में, है ना। लेकिन 2022 का आसूस का ये भी अच्छा हो गया है, और एसर का हीलियोस 300 भी अच्छा हो गया। और रेट की बात होती है बस, चूंकि रेट में नहीं डिफरेंस आ रहा तो मैंने डाला नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, आसूस टफ A15 या तो 95 का ये ले लो, है ना। आइडिया पैड नहीं है इसका ऑनेस्टली कॉम्पिटिटर गेमिंग में, नहीं इसका कॉम्पिटिटर है ये वाला लीजन 5 लास्ट जेन वाला 5800H 3060 180। और इस दोनों में बताता हूँ डिफरेंस क्या है, जो आदमी 95 का देखेगा वो 1 लाख 7 हज़ार, ये यूजुअली 1 लाख 5 हज़ार 1 लाख तक बिकता है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 से 10 हज़ार का मैक्सिमम डिफरेंस है लीजन और आसूस में। आसूस में तुम्हारा 10,000 रुपया बच रहा है, और लीजन में तुमको 10,000 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अंतर क्या है, दोनों फुल पावर 3060 है, आसूस नया 6800H के साथ है, बैटरी थोड़ा क्या कहते हैं ज़्यादा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, लेकिन बिल्ड वाइज है ना, स्क्रीन क्वालिटी वाइज अपना लीजन बेस्ट, ठीक है। लीजन वाला जो लास्ट जेन का लैपटॉप है वो बेस्ट है, और इसका जेरेड ने रिव्यू भी किया था लीजन का 5800H वर्सेस 6800H, तो गेमिंग परफॉर्मेंस से कोई डिफरेंस नहीं था, है ना, CPU वगैरह में था लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं था, तो यानी कि तुम अभी भी लास्ट ईयर का लीजन ले सकते हो। बट
अभी करंट प्राइसेस पे चले 10,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, जिसको 6800 Hz फिर भी चाहिए कि हाँ भाई 3060 फुल पावर का चाहिए। देखो ऐसा है ना कि अगर तुम लीजन में 10,000 रुपये दे रहे हो ना, कुछ चीज़ के लिए दे रहे हो, डिस्प्ले अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, टच पैड अच्छा है, कीबोर्ड अच्छा है, हर चीज़ के लिए तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, बाकी ADP तो हो ही जाता है 3 साल का, है ना। तो अगर वो कर सकते हो और CPU एक जन पीछे जा सकते हो तो कंसिडर किया जा सकता है लीजन लास्ट ईयर वाले को। वरना अब ना ऐसे बहुत सारे मॉडल को ना मैं घुसाना शुरू करूँगा, जैसे कि चलो ये हो गया इस लैपटॉप की बात, लिंक वगैरह सब इसमें डाल ही दिया था, इसमें भी डाल ही दूंगा। 250 nits का है, IPS लेवल है, पता नहीं क्या है, 100% sRGB है नहीं है, पता नहीं क्या बच्चे होती है, खैर जो भी हो, कहीं बोला था है कहीं बोला था नहीं है, समझ में नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, DDR5 में घंटा नहीं फर्क पड़ता कि ऐसे इन्होंने दोनों स्लॉट फुल कर दिया, लेकिन DDR4 में वो था कि डुअल चैनल में होना चाहिए फॉर मैक्स परफॉर्मेंस, DDR5 में सुपर बच्चों, ठीक है। तो कुछ और था इसमें बात करने के लिए, याद करने दो, मैंने लिखा ही था फुल पावर 3060 सब कुछ बता दिया बता दिया बता दिया। अच्छा और अब थोड़ा ना दूसरे लैपटॉप की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो यार अब हार्ड लुक लेना पड़ेगा थिंग्स पे। लीजन इसलिए रिकमेंड कर रहा था क्योंकि ऑन बोर्ड हर लैपटॉप में अच्छा खासा डिस्काउंट था, 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट हो जाता था, तो अपन उसको कंसिडर कर लेते थे। 16 GB वाला कितने का है अभी, चल भाग ये ठीक है। तो अब ये जो लैपटॉप है 70-75 हज़ार में, नवंबर ख़त्म हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ पूरा लिस्ट को एक बार अपडेट ही कर दूँ, तो ये 80 हज़ार के करीब का जो ये लैपटॉप है, अब क्या करें, जो अपन सोच रहे थे कि ये आइडिया पैड वाला जो लैपटॉप है 3060 कौन सा है 90 वाट वाला, जो ये अगर कम आ जाता, ये अगर कम रेट में आ जाता तो वो बेटर होता ऑफ कोर्स इससे, है ना। लेकिन अब 10,000 रुपये ज़्यादा है, 10,000 मायने रखता है 70-75 हज़ार के रेंज में, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग इसको नहीं प्रेफर करना MSI की वजह से, जितना लोगों का मैंने कोशिश की सबका वही कहना है कि भैया कैसे ले लें, सर्विस सेंटर घर के पास नहीं दूर है, देखो अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा रिस्क है, ऐसी बात नहीं है, गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, गेमिंग में दिक्कत नहीं, 3060 लो पावर 3060 के बराबर है एटलीस्ट ये, और मेन बात है कि वी रैम बहुत है, वह क्या ही करोगे उतना वी रैम का, छः तो छोटा सा 1080p लैपटॉप, डिस्प्ले थोड़ी चलाओगे। खैर इसलिए मैंने इसको इधर डाल रखा है कि और अगर थोड़ा सस्ता होगा, जैसे भी सस्ता चल रहा है 3060 लो पावर से सस्ता चल रहा है तो मैंने बोला ले लो, वरना नहीं कर सकते। दूसरा लैपटॉप मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इसको दिलवाने का, देखता हूँ किसी के क्या कहते हैं यूज़ में आता है नहीं आता है ना। 15 मेन ये है इसका 6700M, तो 3070 लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और दाम 3060 लेवल का, है ना। तो ये लैपटॉप भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लैपटॉप बढ़िया है, वही बात है सब, और थोड़ा ना थोड़ा ये लाइट भी है 1.9 किलो के, यूजुअली सब 2.5 किलो के ऊपर जाते हैं, ये लैपटॉप भी ठीक है, बट हो क्या जाता है ना, वही बात है, जब कोई 1 लाख रुपए खर्च करता है ना तो डिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर तुम लेना चाहो बताओ, आओ डिस्कशन करते हैं, इंस्टा पे आओ, DM मारो, जैसे बाकी लोगों का, सबका यूज़ के अकॉर्डिंग बोलता हूँ, मैं भी तुम्हारे यूज़ में हो जाए, इसका यूज़ होगा ना जो लोग ऑटोकैड 3D वो सब काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा है, 10 GB का वी रैम है, टेंशन ही नहीं होगी कभी, है ना, परफॉर्मेंस है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब पूरी लिस्ट यार वही चल रही है अब, लेकिन ना अगर दाम नहीं बढ़ाना, चेंज वगैरह नहीं हुआ ना दिसंबर में, तो इसमें दो चार घुसाना पड़ेगा और मजबूरी मजबूरन घुसाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कितना वेट करेंगे। यहाँ लिख रखा है मैंने बेस्ट एट 80K 90 का बिक रहा है, बेस्ट एट 70K 80 का बिक रहा है, बेस्ट एट 60K 70 का बिक रहा है, लेकिन ये तो है कि ये बेस्ट एट 60K वाला चीपेस्ट लैपटॉप था मक स्विच के साथ, है ना, बेस्ट एट 70K वाला चीपेस्ट लैपटॉप था मक स्विच के साथ, इस दोनों में मक्स का पैसा दे रहा है, और अभी तक वैसा कोई लैपटॉप नहीं मिला है इस रेंज में, है ना। बाकी मैं देखता रहता हूँ, कुछ मिलेगा तो डाल लेंगे, करते हैं नवंबर ख़त्म, यही AMD का लैपटॉप बताना था, और स्टार्ट नहीं करता वीडियो बनाना तो कभी ख़त्म भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा और बाकी ये तो देख ही लिया होगा तुमने वो वीडियो, अरे मैं उसको
मैं आज के लिए किया था उसको, ये क्या कहते हैं उसको, प्रीमियर, मतलब पैसा कल के लिए हो गया, ठीक है ना। तो ये यूज्ड लैपटॉप 15 से 30 हज़ार के रेंज में, तो उसका वीडियो आ ही जाएगा, बाकी पीसी के लिए करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं यार, इसमें डालना पड़ेगा, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है अब, इसमें कुछ कुछ इधर उधर से लैपटॉप डालना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, पिछले पहले क्या प्राइस था, क्या आगे हो सकता है उस पर थोड़ी, अभी भी किसी ना किसी को तो लेना ही है लैपटॉप, ऐसा थोड़ी कि नहीं लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।